एब्स देखो। अरे तू क्या पागल है क्या? आउच, ये तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें ये भी नहीं कर चक्कर में यहाँ पे ना जिम में मस्त अच्छे हट्टे कट्टे लड़के आते, तो मेरे को थोड़ा सा मेरा लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप ये लोकेशन देख ही रहे होंगे कि जिम की है। तो मैंने मतलब कुछ दिन पहले एक जिम ज्वाइन किया था, और ना मुझे पता है यहाँ पे एक लड़का बहुत ही ज़्यादा हॉट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उससे थोड़ा बात करने में मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, तो देखती हूँ। इसलिए मैंने कैमरा इधर लगाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ। अभी भी मुझे डर ही लग रहा है, लेकिन देखते क्या होता है वीडियो में। आप प्लीज़ एंड तक बने रहो, बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरी तरफ से। तो बाकी आप वीडियो के एंड तक बने रहो, देखते क्या होता है। एक्सक्यूज़ मी। यस, आप मुझे थोड़ा सा मतलब ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ना मैं अभी यहाँ पे न्यू आई हूँ, तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है जिम का। मैं भी बिजी हूँ अभी। हाँ मैं भी तो बिजी हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, अपना थोड़ा सा टाइम देके प्लीज़। अच्छा वैसे आप ये कर क्या रहे हो? मैं भी ट्राई करके देखूँ क्या? यार हेल्प कर दो मुझे, सुनो ना, हेल्प कर दो ना यार। मैं अपना वर्कआउट कर लूँ, आप कर लो ना खुद, थोड़ी बहुत तो मदद कर सकते हो मेरे लिए। सॉरी। अच्छा वैसे ये बताओ ना, तुम क्या मतलब डाइट क्या लेते हो? यार मेरे को जिम कर रहे हैं। अरे तो यार हम लोग जिम पार्टनर तो बन सकते हैं ना, आप भी जिम करते हो मैं भी। बात करो यार, आप अपना वर्कआउट कर लो ना, मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूं। जिम डाइट बता दो, आपको ट्रेनर सजेस्ट कर लो ना। आपकी जॉ लाइन बड़ी अच्छी है। सुनो ना यार, तुम तो इरिटेट हो रहे हो मेरे से, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ और सब अपने में लगे हुए। आप थोड़े अच्छे से लग रहे हो मुझे। एक्सक्यूज मी, सुनो ना, मैं भी करूँगी फिर। अरे कुछ तो बोल लो यार। कितना टाइम लगा वैसे आपको ये डोले वोले बनाने में? अरे जिम वाला यार आपसे रिक्वेस्ट है। अरे वो ना मुझे करने दो, मैं पता उनको बोल देती, लेकिन वो ना ऑलरेडी बिजी है, तो उन्होंने कहा कि आपसे आके बात कर लें, तभी मैं आई हूँ। कौन जिम वाला बोला? हाँ देखो सब लगे हुए ना, इसलिए उनसे सीख लो आप, वो भाई अच्छा कर। अरे नहीं, मुझे आप ही से सीखना है, क्योंकि पूरे जिम में आप ही तो अच्छे लग रहे हो। इतनी अच्छी शक्ल लेकर चल रहे हो, इतना एटीट्यूड लेकर चल रहे हो, इतनी देर से बात कर रही हूँ मैं। सुनो तो सही, डाइट क्या लेते हो ये बता दो मुझे। अरे डाइट तो बता ही सकते हो, कितना एटीट्यूड है यार तुम्हारे। अरे एटीट्यूड है तो क्या हुआ, तुम तो यार क्यों पीछे पड़ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो यार? अरे तुम तो गुस्सा कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। डोले वोले बाइसेप्स इतने अच्छे निकाल रखे, कैसे निकाल रखे, कितना टाइम लगा, क्योंकि मुझे भी करने है ना। सुनो ना, अच्छा मेरी हेल्प तो कर दो। क्या हेल्प दी तेरे को? कैसे करते हैं सब मुझे बता दो, मुझे इसमें हेल्प कर दो। बताओ ना, देखो मैं बैठ गई। सुनो ना, क्या नाम है वैसे आपका? एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही हूँ मैं। अच्छा यही करवा दो, कुछ तो करके जाऊँ मैं। कैसे करते करवा दो हेल्प, ये तो खींच भी नहीं रहा। यार तुम देखो ना, तुम्हारे जितने आए मेरे मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ नाम तो बता दो। सुनो ना वैसे एक बात तो सुनो। अरे मेरी माँ मेरे को फोन, मुझे मेरा यार मुझे पता है ऐसा है, मैं ना तुम्हें काफी टाइम से ना मतलब पसंद करती हूँ। मतलब ये जिम को पसंद करती हूँ, तभी तो आई हूँ मैं जिम में, तुम्हें देखने के लिए आती हूँ मैं जिम में। सुन रहे हो? सुनो ना कुछ तो बोलो यार, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? अगर तुम हंसे तो मैं समझ लूँगी मैं तुम्हें पसंद आ गई। तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। कितना टाइम लगेगा वैसे मेरे बाइसेप्स आने में? यार देख तू है ना, टच वच मत कर यार, मैं तेरे को एक बात बताऊँ। वैसे ये तो बता, ये सब बनने में कितना? अरे भाई इसे ले जा यार, कहाँ से कितना टाइम दिखाओ ना, कितने इंच का है तो दिखाओ। मैं तेरे में लपड़ घेर लूंगा, तेरे में निकल जाए इधर से।
यार तुम कितने खड़ूस हो, मैं तो तुम्हें अच्छा समझ रही थी। तुम इतना भाग क्यों रहे हो मेरे से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। आउच। यार तुम कैसे से हो? तेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने तुम्हें देखने के लिए जिम ज्वाइन किया और तुमने मुझे भाव भी नहीं दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भाई ये पूछ रही हूँ, ये डोले वोले बनने में कितना है आपके? वो बिस्किट है, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? वो बिस्किट होते हैं ना, वो चाय में डुबा के खाने वाली नहीं, वो किराने दुकान में मिलेंगे, वहाँ जा। अच्छा वो तो दिखाओ तो सही, पेटे की एप्स वगैरह कुछ है। इतना भाग क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की नहीं है क्या? हाँ सुनो ना, एक्सक्यूज मी, ना तुम्हें नाम बताना है, ना तुम अपने लाइफ में लड़की है या नहीं ये बताना है, तो मैं करूँ क्या? सुनो ना, मैं तुम्हें देखती रहूंगी, तुम्हें नजर लग जाएगी मेरी। एक तो काला पहन कर आए, ये ऊपर से नजर लगेगी भी नहीं। सुनो ना, क्या बेबी करके बुलाऊं तब सुनोगे क्या? तेरे को क्या चाहिए? क्या करके लाइफ पार्टनर करके बुलाऊं तब सुनोगे क्या? सुन ही नहीं रहे हो। अरे तेरे को वर्कआउट करना है। अच्छा एक बात, वर्कआउट करना है, वर्कआउट को छोड़ो ना, मैं बताऊं तेरे। हां ठीक है, वर्कआउट करते करते बात भी करनी है मुझे। हां हां कर कर, करवाओ ना, मुझसे नहीं होता। यार तुम इतने खड़ूस कैसे हो सकते हो, मैं समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की नहीं है क्या? ऐसे दूर दूर भाग रहे हो, पता नहीं क्या पहली बार लड़की देखी। पहली बार तो ये तू टच मत कर मेरे को। करूंगी। अरे क्या बदतमीजी यार ये, करूंगी, क्या हो गया? करूंगी मैं, टच करूंगी। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए आनी है जिम में, मैंने इसलिए एंट्री ली है, ठीक है? मैं टच करूंगी, कर सकती हूँ मैं टच, मुझे कोई कुछ नहीं। यार तुम मेरे से ऐसे भाग रहे हो, पता नहीं क्या मैं भूत हूँ क्या, मैं दिख रही हूँ ना तुमको? मैंने यही उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। अरे को कुछ सिखा भी नहीं रहे हो, ऊपर से मैं अगर मैंने कभी देखे नहीं भैया ऐसे लड़के जिनके बॉडी पे वो डोले सोले रहते हैं। एक काम, ये इसको पकड़, इसको मार, क्या उधर मैं सिखा दूं तेरे को? ये तो बहुत भारी है, अभी तो सीखे ही भारी है। जब ये क्या करना है? दूर हट थोड़ा, गिर जाएगा वो। यार सच में तुम्हारे ऐप देखो। अरे तुम क्या पागल है क्या? आउच। ये तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें ये भी नहीं करवाना है, वो भी नहीं करवाना है, क्या दिक्कत है तुम्हारी? सिखाओगे तुम खुद ही कर रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ी आ रहा, ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे तुम सिखा ही नहीं रहे हो। और वैसे भी देखो जो भी बात, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुझे मेरी दिक्कत जान रही है ना, तुझे पता है यहाँ जिम में मैं ये लड़की लड़की के चक्कर में नहीं आता। एक सेकंड, ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि ना मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए मुझे एक मिनट, तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो, लेकिन फिर ये सब करने का कोई वो ही नहीं है यार। ये तुझे इतनी देर से नहीं लगा कि मैं तेरे को सब क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि सीरियसली बोलूँ ना, मैं यहाँ लड़कियों के चक्कर में यहाँ पे ना जिम में मस्त अच्छे हट्टे कट्टे लड़के आते, तो मेरे को थोड़ा सा मेरा लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सच में मैं कैसे यकीन करूँ? ये देख। ओह शिट, तभी तुम सीधे मुंह मेरे से बात नहीं कर रहे थे नजरें मिला के। अच्छा, और तुम्हारी चाल ढाल चेहरे। हाँ हाँ बोलो ना। तेरे तो बॉयफ्रेंड अगर होंगे ना अच्छे एक, हाँ एकत का नंबर दे दे। मैं नंबर क्यों दूंगी? अरे ठीक है, हाँ ठीक है, मैं नंबर दे दूंगी। हाँ बोलो प्लीज, दे देना यार। हाँ ठीक, एक बंदा आता है अभी तक आया नहीं, मैं एक घंटे से उसका वेट कर रहा था। अरे पता है क्या यार, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, मैं नंबर वंबर भी बाद में देख लूँगी, देना ही नहीं देना मुझे, बताना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैंने वहाँ पे छोटा सा कैमरा लगा रखा था, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करती थी, मैं देख रही थी कि क्या पता बात बन जाए, लेकिन ये तो प्रैंक उल्टा हो गया मेरे ऊपर। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो से? कैमरा हटा दूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो मैं जा रही हूँ फिर।
और कैमरा बन गया। हाँ मैं दे दूंगी, जिम के बाद में दे दूंगी, मैं यहीं बाहर वहाँ कैंटीन में बैठी हूँ, आप वहाँ से ले लेना, ठीक है? अच्छा कैमरा बंद कर, तू जल्दी भाग कर आ जा, भाग।